नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 18 मई दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम सुनिए आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम सुनिए आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 18 मई 2021 दिन मंगलवार, आज की तिथि है छठवीं, आज का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:28 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:06 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा और आज का अशुभ समय है सुबह 8:12 से सुबह 9:06 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 2, शुभ रंग है लाल, नारंगी और सफेद। दोस्तों, पहले आपको बताते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि चाणक्य के अनुसार इन कामों से मिलता है असली सुख और शांति, जाने चाणक्य नीति। चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। उनकी लिखी द्वारा चाणक्य नीति व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाभ और हानि व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा है। जिस प्रकार से रात के बाद दिन होना निश्चित है, उसी प्रकार से दुख के बाद सुख आना सुनिश्चित है। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। सुख और दुख में व्यक्ति को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, इस पर चाणक्य ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया है। इन बातों को जिसने समझ लिया, उसके जीवन में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। नंबर 1, लालच का त्याग करें। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति के दुखों का एक कारण लालच भी है। जिसके जीवन में लालच है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। वह अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति को लालच से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, क्रोध से दूर रहें। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध व्यक्ति की सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है, इसलिए क्रोध में व्यक्ति कभी कभी ऐसा कदम भी उठा लेता है जिसके कारण उसे जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। इसलिए सुख की चाहत रखते हैं तो जीवन से क्रोध को दूर कर दें, क्योंकि क्रोध करने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाकर रखता है। नंबर 3, मानव कल्याण के बारे में सोचें। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। सच्चम व्यक्ति को दूसरे की मदद के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। यही प्रयास व्यक्ति को परोपकारी बनाता है। दूसरे के लिए भी व्यक्ति को जीना चाहिए। जो व्यक्ति इस सोच में जीवन को जीता है, उसके पास धन की कभी कमी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो 1 लाख जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। कार्य क्षेत्र में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां मजेदार रहेंगी अगर पूरे परिवार की उसमें सहमति भागीदारी हो तो। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रोमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकता या रह सकती। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन में से सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। आपके दोस्त आपके काम नहीं आते, यह शिकायत आज आपको हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको पहले किए गए छोटे मोटे कार्यों में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। ऑफिस के कार्यों को करते समय फोकस बनाए रखें। आपको जो भी जिम्मेदारी मिले उसे अपनी समझदारी से बखूबी से निभाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं उनका काम अच्छा चलेगा और आपका रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आपको अपनी योजनाओं के लिए तारीफ मिलेगी। पिता आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को आज थोड़ा तनाव हो सकता है,
परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। निजी मान्यताओं की बजाय सबकी राय निर्णय ले। संबंधियों का आगमन हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। आज आप माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं, जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है। आपको उधार दिए गए पैसा आज आपको वापस मिल सकते हैं। आपका ध्यान खुद पर रहेगा। संबंधों को लेकर चल रही समस्याएं खत्म होने के योग बन रहे हैं। आज आपको फायदा भी हो सकता है। पार्टनर की भावना का सम्मान करें। आपका पार्टनर भावुक हो सकता है। कोई भी बात बहुत ही नाप तोल कर ही कहें। कुछ लोग आपसे विरोध भी कर सकते हैं। किसी और की गलती का लांछन आज आप पर लग सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपने साथी के साथ काफी जोशीले और स्नेह भरे रिश्ते का आनंद उठा पाएंगे। आप अपने परिवार और दोस्तों द्वारा आपके लिए बनाई गई योजनाएं और परिवार के बहने का लुप्त लाभ उठा पाएंगे। घर में आए मेहमान आपकी शाम को मनोहर और उत्कृष्ट बना देंगे। यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा का सुनिश्चित प्रयोग करेंगे तो यह अत्यधिक संवेदन और फायदेमंद साबित होगा। आज आपका दिन आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप नए विचारों और रणनीति के साथ आगे आएंगे। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप पर विश्राम और स्वतंत्रता की भावनाओं की हावी होने की संभावना है। आपके तनावपूर्ण मुकाबले या सताऊ परिस्थितियों से बचने की प्रवृत्ति रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं, इस दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित रह सकती है। हो सकता है कि आज आप कहीं बाहर घूमने जाएं और किसी अजनबी से आपकी मुलाकात खुशनुमा हो। यह आपकी आंखचार हो सकती है और आप आज उनका खूब ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ आप मन में सुकून का अनुभव करेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आपको आज बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा और प्रत्येक कदम बहुत ही सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना होगा, तभी आप एक सुखमय दाम्पत्य जीने का आनंद लेने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आपको साथ ही साथ बता दें कि आपके जीवन साथी की तरक्की होगी। इससे आपके मन में शांति का माहौल बनेगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन मानसिक दबाव के बावजूद आप खुश रहने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी और प्रेमिका से जीवन में मधुरता आएगी, जिससे खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जी आज का दिन आपके प्यार के लिए बहुत ही बेहतर दिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य समर्थ बना रहेगा, लेकिन सुबह सुबह आपकी गृह स्थिति के कारण आज आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम आज आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर आज आपको अधिक जोर देने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आप अपने क्रोध पर शांति बनाकर रखें। और दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।